हेलो गाइस, कैसे हो यार तुम लोग। आई होप कि तुम लोग बहुत से हो गए। तो आज मेरे पास बहुत सारे माइनक्राफ्ट कम्युनिटी एंड यूट्यूब कम्युनिटी की न्यूज है, आज वीडियो के अंत तक देखते रहना। सो यार तुमने पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं यूप्लेस के बारे में। अब लेकर तुम्हें पता ही होगा यूप्लेस के चैनल पे अभी कुछ ही महीने पहले या फिर अभी कुछ दिनों पहले यार उनके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक लग गई थी। एंड वो स्ट्राइक की वजह से उनके चैनल का जो रीच है वो काफी ज्यादा कम होने लगा। लाइक अगर तुम पहले की व्यूज देखो तो वो बहुत ज्यादा जाते थे, लाइक मिलियन तक भी क्रॉस कर जाते थे। एंड यहाँ अभी के टाइम पे अगर तुम देख रहे हो तो काफी ज्यादा उनको कम व्यू आ रहे हैं। तो इसी चीज के ऊपर में यूप्लेस रिएक्ट करते हैं। एंड उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट किया, वो कहते हैं आई विल एक्टिव माय चैनल अगेन, अ सिंगल स्ट्राइक कैन नॉट स्टॉप मी। एंड या बाकी यार इनके कमेंट सेक्शन में भी उनकी ऑडियंस काफी ज्यादा उनके मोटिवेट कर रही थी कि यस भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप बस ऐसे ही काम करते रहिए। एंड या ब्रदर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ तो बात कर लेते हैं द स्पॉट के बारे में। अब लेकर तुम्हें पता होगा द स्पॉट भी काफी ज्यादा पॉपुलर माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर है। एंड करंटली यार इनका चैनल जो है वो कल ही हैक हो गया है। लाइक उनके चैनल पर यार ये सारी वीडियोज आने लगी। तुम्हें पता होगा अगर मैं बोलूंगा तो भाई YouTube मेरी वीडियो उड़ा देगा, लेकिन तुम लोग देख पा रहे हो किस टाइप की वीडियो है। जब चैनल हैक होने के बाद कुछ इसी टाइप की वीडियोस अपलोड करते हैं हैकर्स। अब पता नहीं चैनल अभी तक रिकवर हुआ है नहीं, बाकी यार मेरे को अगर और भी कुछ अपडेट्स वगैरह मिलेगी तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। सो यार प्रथम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं मिस्टर गेमर टी के बारे में। अब लाइक यार मैंने तुम्हें ऑलरेडी कुछ दिन पहले वाली न्यूज वीडियो में बताया था यार कि मिस्टर गेमर टी बहुत जल्दी कमबैक करने वाले हैं YouTube के ऊपर में। एंड ऑल्सो तुम्हें पता होगा उन्होंने 4 महीने से कोई वीडियो ही अपलोड नहीं करी थी अपने चैनल पे। तो फाइनली भाई उनकी न्यू वीडियो आ चुकी है, जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लेना। सो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। बात कर लेते हैं यसस मडिपाई के बारे में। तो यार कल यसस मडिपाई ड्रीम बॉय के साथ में अपने चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। एंड वहां पर यार वो रिवील करते हैं कि उनका हिमलैंड्स गैंग मीटअप बहुत जल्दी होने वाला है। लाइक होने क्या वाला है कि स्मार्टीपाई के घर पे एजियो टिडिप एंड ड्रीम बॉय भी जाएंगे, तीनों लोग एक ही जगह पे रहेंगे। एंड वहां पर यार वो तीनों लोग ही चिल करेंगे, हिमलैंड्स गैंग मीटअप टाइप ऑफ, तुम समझ गए होगे। मतलब सारे ही मेंबर्स यार हिमलैंड्स के मिलने वाले हैं एक ही जगह पे। और क्या कुछ कहते हैं ड्रीम बॉय एंड स्मार्टीपाई, देखो तुम लोग भी चांस है शिमला आने का, क्योंकि अभी तो है वेदर असली शिमला वाला। ठीक है गाइस, देखो मैं तुम सब लोगों को एक बाहर बर्फ गिर रही है भाई यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा पर्दा हटाऊं, नहीं रुको, थोड़ी धूप लग चुकी है अभी, सॉरी मैन, बट बाहर यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट गिरने वाली है ये बर्फ वगैरह। अगर इस स्ट्रीम पे 50,000 लाइक्स हो जाते हैं ना तो हम पूरी हिमलैंड्स गैंग शिमला आएगी। मतलब हम लोग अभी मिल रहे हैं ऐसे भी लाइक आगे कुछ टाइम में, बट और भी बहुत सारी रियल लाइफ वीडियोज आने वाली है हिमलैंड की। थोड़ा सा स्पॉइलर दे रहा हूँ, बट तुम लोगों के दिमाग में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने ये चीज बोली तुम लोगों को। बट ये लोग शिमला भी आ सकते हैं एंड इनको मैं बर्फ के बीच में डुबा डुबा के ठंड के मारे इनको पेलने वाला हूं मैं इमेजिन कर रहा था जैसे आपने बोला डुबा डुबा के, मैं पता है क्या इमेजिन कर रहा था, मेरी गर्दन आपके हाथ में है और आप मेरे को बटाई बटर बर्फ में मार रहे हो। जितने भी थ्योरीज वगैरह है, जितने भी क्वेश्चन वगैरह है, एंड ऑल्सो तुमने देखा है नहीं मेरे को जॉइन कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में इस पार्ट की तुम्हें लिंक भी मिल जाएगी। सो यार नेक्स्ट न्यूज की तरफ तो बात कर लेते हैं यार बल्कि स्टार के बारे में। तो बल्कि स्टार ने अपनी ऑडियंस के लिए एक पब्लिक एसएमपी बनाई है, इसी के रिलेटेड उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट किया। वो कहते हैं वी क्रिएटेड अ पब्लिक एसएमपी फॉर यू गाइस टू प्ले एंड आज उसी की बीटा टेस्टिंग है, सो इफ यू आर अ जॉइन हियर इज द एडिया। बाकी यार तुम्हें उनके पब्लिक एसएमपी को ज्वाइन करना है तो तुम्हें जाके देख लेना उनके उस कम्युनिटी पोस्ट को, तुम्हें इससे रिलेटेड पूरे डिटेल्स मिल जाएगी वहां पर। यार बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। अब लाइक यार ट्रिगर्ड इंसान अपने चैनल के ऊपर में कल ही एक वीडियो को अपलोड किया जिसमें वो बहुत चीजों पर रिएक्ट करते हैं। एंड उन्हीं में से यार मतलब लाइक वो फनी फनी चीजों पर रिएक्ट कर रहे थे, तो उन्हीं सारी यार फनी चीजों में से वो उर्वशी एंड ऑल्सो ऋषभ पंत की जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, अगर तुम्हें नहीं पता तो यार यूट्यूब पर सर्च कर लोगे पता चल जाएगा, बट आई थिंक सो मेजोरिटी ऑफ द लोगों को इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में पता ही है। तो ट्रिगर्ड इंसान भी यार रिएक्ट करते हैं उर्वशी राउतेला के ऊपर में। देखो क्या कुछ कहा था उन्होंने। एवरी छपरी निब्बा निब्बी एट नाइट बेबी आई लव यू बोल लो। ये मैसेज एक्चुअली उर्वशी को ना ऋषभ पंत को डीएम में भेजना था, लेकिन गलती से इंस्टाग्राम पे डाल दिया उसने। भाई ये लड़की नेक्स्ट लेवल की स्टॉकर है। पहले तो वो मिस्टर आरपी वाला इंटरव्यू, मिस्टर आरपी केम और वो लॉबी में आकर के बेट
कर रहे थे like he wanted to meet. So when I woke up, then I saw 16-17 missed calls. 16-17 missed calls मारी ऋषभ पंत ने. अच्छा ये पता नहीं कौन सी ख्याली दुनिया में जी रही है अपने. फिर उसके बाद वर्ल्ड कप वाले टाइम पे ऋषभ पंत के पीछे पीछे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी. एंड अब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है तो जिस हॉस्पिटल में एडमिट है उसके बाहर की फोटोज डाल रही है इंस्टाग्राम पे. मतलब नेक्स्ट लेवल स्टॉकिंग कर रखी है इसने. यही काम अगर कोई लड़का एक लड़की के लिए कर रहा होता ना, जेल में बैठा होता वो बेचारा. अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है. और मैं ज्यादा बोल नहीं सकता इसके बारे में वरना केस कर देती है ये सीधा. डेफामेशन केस आपके ऊपर, 2 करोड़ का लॉयर आ जाएंगे. तो आगे बढ़ते हैं इससे पहले कि मेरे ऊपर भी केस हो जाए. बात करते रचित्रु के बारे में. अब लाइक मैंने तुम्हें कल वाली न्यूज वीडियो में ऑलरेडी बताया था, तुम्हें याद ही होगा कि रचित्रु जाने वाले हैं जापान. उन्होंने एक ट्वीट भी किया था. एंड ऑल्सो इसे रिलेटेड रचित्रु आज एक और भी ट्वीट करते हैं. एंड वो कहते हैं, आई एम गोइंग टू जापान, टेल मी द थिंग्स आई मस्ट डू देयर, आई विल गिफ्ट अ मांगा टू द पर्सन वी मोस्ट लाइक रिप्लाई. एंड यह मांगा जो है वो एनिमे का कैरेक्टर है, तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा. एंड ऑल्सो इसे रिलेटेड देसी गेमर्स यार रचित्रु का रिप्लाई करते हैं. वो कहते हैं, भाई सुना है वहां गर्लफ्रेंड रेंट पे मिलती है. रचित्रु रिप्लाई करते हैं देसी गेमर्स का. एंड वो कहते हैं, आइडिया तो अच्छा है, गेट वॉट, इसीलिए तो जा रहा है इधर, तो मिलेगी नहीं. एंड या बढ़ते बढ़े एक्स न्यूज की तरफ. तो बात करते हैं हीरो ब्रेन एसएमपी के बारे में. अब लाइक मैं पता होगा टेक्नो गेमर्स ने रिवील कर दिया था फाइनली कि अब हीरो ब्रेन एसएमपी कभी भी वापस नहीं आएगी. इसके बाद में जो स्पोर्टो 66 गेमिंग है वो भी रिएक्ट करते हैं इसी के ऊपर में. एंड वो कहते हैं, वी वॉन्ट हीरो ब्रेन एसएमपी बैक लाइक रॉनी ने भी कहा था, तुम्हें पता होगा. एंड या बाकी यार कितने लोग चाहते हो कि हीरो ब्रेन एसएमपी वापस आनी चाहिए, भाई जाओ और कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो, मेरे को नहीं पता बस कर दो. सो यार बढ़ते अपनी लास्ट न्यूज सेगमेंट की तरफ जो कि यूट्यूबर्स के पॉपुलर वीडियो अपलोड्स के बारे में. तो लाइक सबसे पहले यूथ प्लेस का चुजू चार्ल्स का वीडियो आ चुका है. एंड रूबी की वीडियो आ चुकी है. डैडी गेम्स की वीडियो आ चुकी है. बीच वर्षुप की वीडियो आ चुकी है. इसके बाद में यार नवरित गेमिंग की वीडियो आ चुकी है. आयुष मोर की वीडियो आ चुकी है. टेक्नो गेमर्स की न्यू वीडियो आ चुकी है. एफ विप की न्यू वीडियो आ चुकी है. प्यूडीपाई की वीडियो आ चुकी है. अंशु बिस्ट का वन ब्लॉक का न्यू वीडियो आ चुका है. इसके बाद में एनवाई गेमर की न्यू वीडियो आ चुकी है. SB737 की न्यू वीडियो. ZMD गेमिंग की भी न्यू वीडियो आ चुकी है. साताक्ष की भी न्यू वीडियो आ चुकी है. तो सारी वीडियो की लिंक यार तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मस्ट चेक इट आउट. तो चलो यार बस वीकली न्यूज़ रीड आगे जो भी न्यूज़ मिलेगी यार मैं तुम्हें नेक्स्ट में बता दूंगा. न्यूज़ समझने के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके वहां पर न्यूज़ सबमिट कर देना. एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में. पीस आउट.